સુરતની અઠવા પોલીસ દ્વારા પોતાના વિસ્તારમાં કોમ્બિંગ હાથ ધરાયું હતું, તો આ સમયે ડીસીપી ઝોન 4 એસીપી સહિતનાઓ હાજર રહ્યા હતા। તહેવારોની સીઝન દરમિયાન કાકરિયા ચાળો કરનારાઓ તેમના મનસૂબા પાર ન કરે તે માટે પોલીસ એક્શનમાં આવી ગઈ છે। લાલગેટ પોલીસ મથકની હદમાં બનેલી ઘટના બાદ સુરત પોલીસે પેટ્રોલિંગ અને કોમ્બિંગ વધારી દીધું છે। ત્યારે સુરતની અઠવા પોલીસ દ્વારા ડીસીપી ઝોન 4 વિજય ગુર્જર, એસીપી ઝી ડિવિઝ વીઆર મલ્હોત્રા, અઠવા પીઆઈ ગુણવંત હડિયા સહિતનાઓની હાજરીમાં કોમ્બિંગ હાથ ધરાયું હતું, જેને લઈ અસામાજિક તત્વોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો હતો। किस तरह कॉम्बिंग हाथ धरी है, कौन से इलाके में कर रहे हैं, किस तरह की घटना अथवा पुलिस स्टेशन विस्तार में अभी गणपति का त्योहार चल रहा है, गणपति जी की स्थापना हुई है, विसर्जन है 17 तारीख को और 16 तारीख को ईद का भी त्योहार है। दोनों के बड़े प्रोसेशन इस एरिया में से निकलने वाले हैं, तो उसके भाग रूप यहाँ एरिया में पेट्रोलिंग की जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और जितने भी ढाबा है सारे ढाबा 100% ढाबा हम लोग ड्रोन से और हमारे पुलिस वालों से चेक करवा रहे हैं। अगर किसी ढाबा पे पत्थर मिले हैं तो आज हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बाई चांस कोई कंस्ट्रक्शन का काम होगा, वहाँ पे कोई मटेरियल पड़ा है कंस्ट्रक्शन का, पत्थर वत्थर पड़े हैं, तो उनको हटाने के लिए बोल रहे हैं। फिर दोबारा से कल परसों फिर हम चेक करेंगे, दोबारा मिलेगा तो गुनाह दाखिल करेंगे बाद में, जो भी मकान का मालिक रहेगा उसके ऊपर। और नए कोई भी किराएदार नए आदमी इस एरिया में रह रहे हैं, बाहर के आदमी आके न्यूसेंस करेंगे, जो आदमी उनको शरण देगा वो उनके लिए जिम्मेदार रहेगा। तो ये सब चीजें बिल्कुल टॉलरेट नहीं की जाएंगी। और अभी हमारे एरिया में जितने तड़ीपार हैं, जितने आरोपी हैं, बॉडी ऑफेंस करने वाले हैं, उन सब की लिस्ट तैयार करके उन सबको वेरीफाई किया जा रहा है, तड़ीपार को चेक किया जा रहा है, हिस्ट्री सीट एनसीआर है उन सबको चेक कर रहे हैं हम लोग। और ये कंटिन्यू ड्रोन से हमारे पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा, और इस तरह से एरिया डोमिनेशन ये सब काम कंटिन्यू चलता रहेगा। तो पब्लिक से भी अपील है कि इसमें पुलिस का सहयोग करें और मैं ढाबा पॉइंट चेक कर लें, उसके किसी तरह का ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे हम कंटिन्यू हमारे जो सेल है साइबर सेल है वो और लोकल पुलिस स्टेशन ये कंटिन्यू उसको मॉनिटर कर रहा है सोशल मीडिया को। कोई भी आदमी अगर नेगेटिव या भड़काने वाली कोई भी चीजें लिखेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, हम कंटिन्यू इसको मॉनिटर कर रहे हैं। और पब्लिक से भी अपील है कि इस तरह की अगर चीजें कोई सामने आती है तो अफवाहों पर ध्यान नहीं दे, हमें बताए कि इस तरह की चीजें कोई सोशल मीडिया पर डालता है। थैंक यू।